हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। होप सो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है हमारी, वो है फेशियल के टॉपिक के ऊपर। मैंने आप लोगों को पहले एक फेशियल किट दिखाई थी जो कि डर्माकोस की थी, और वो हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। उससे पहले हम लोग जो है वो गोल्ड फेशियल यूज़ करते थे, उसके बाद डर्माकोस, और अब मैंने एक और फेशियल किट मंगवाई है। लेकिन ये मैंने अभी ट्रायल किट मंगवाई है, ये मिनी किट है, हाइड्रा फेशियल किट। आपको पता है कि हाइड्रा फेशियल बाहर से बहुत एक्सपेंसिव होता है, और ये जो है इसकी काफ़ी इसके जो है वो होते हैं स्टेजेस, मेरा ख्याल है। तो उसके लिए मैंने जो है घर में ट्राई करने के लिए ये किट मंगवाई है आईक्यू ऑर्गेनिक्स की। ये काफ़ी फेमस है ये फेशियल, हाइड्रा फेशियल, और इसमें काफ़ी पार्ट्स भी हैं इस किट के। तो आज हम करने वाले हैं इस फेशियल किट की अनबॉक्सिंग। ये मैंने काफ़ी देर से ऑर्डर की हुई थी, लेकिन ये आप रिसीव हुई है मुझे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं, इसकी वीडियो बनाऊं। और इसका जो पूरा डिटेल वीडियो होगी ना, वो तो मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से समझा दूंगी, लेकिन जो इसका यूज़ करने वाली वीडियो है वो बाद में आएगी। अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे, और इसका सारे जो इसके स्टेप्स हैं, ये जो है ये स्टूडेंट किट है, ये जो उनकी एक्चुअल फेशियल किट है उसकी प्राइस 7 to 8 thousand है, और इसकी प्राइस जो है वो 3 thousand है। तो ये मैंने इसलिए मंगवाई है कि पहले ट्राई करना चाहिए, फिर ही आपको कोई भी चीज़ बाय करनी चाहिए। तो अब हम इसे खोलते हैं, करते हैं जी अनबॉक्सिंग। इसको ओपन करेंगे, इसका बॉक्स है अंदर। तो ये रहा हमारे पास किट। आईक्यू ऑर्गेनिक्स की बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इनकी बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो मैं उनका भी रिव्यू करूँगी। पहले हम करेंगे हाइड्रा फेशियल किट का रिव्यू। तो ये रही जी हाइड्रा फेशियल किट, ये है हमारे पास किट, ये इसका बॉक्स है। इसके अब मैं आपको बताती हूँ इस पर क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है कि ये मैनुअल हाइड्रा फेशियल किट है, अल्ट्रा ग्लोइंग, क्योंकि हाइड्रा फेशियल किट जो है ना, ये मैनुअल है, लेकिन जो हम बाहर से करवाते हैं उसमें मशीन्स भी यूज़ होती हैं। हाइड्रा फेशियल के बेनिफिट्स हैं, उनमें ये बेनिफिट्स होते हैं इसके कि स्किन को जो है वो साफ़ तो करता ही करता है, लेकिन जो स्किन है ना वो हाइड्रेट भी हो जाती है। बाकी फेशियल्स की निस्बत जो है ना, बनिस्बत बाकियों की, जो हाइड्रा फेशियल है इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन एक दो यूजेस के बाद। तो अब मैं आपको इसका पूरा बॉक्स का पहले बताती हूँ डिटेल्स। इसमें जो स्टेप वन है वो डिटॉक्स टोनर है, ठीक है, टोनर लगा के मसाज करनी है 2 मिनट के लिए। उसके बाद है प्योरीफाइंग मिल्क क्लींजर, उसके बाद है टैन क्लियर एक्सफोलिएशन, ब्राइट एंड ग्लोइंग मसाज क्रीम है अंदर, इंस्टेंट क्लियर जेल है, एलोवेरा डर्मा हाइड्रेटिंग जेल है, और डर्मा फ्रेश क्ले मास्क है, अल्ट्रा ग्लो सीरम है, और डे प्रोटेक्शन केयर है। तो इसके साथ जो है ना, वो आपने जेड रोलर और गुआशा से जो है वो सारा इसको यूज़ करना है आपने, ठीक है। वो मैंने साथ मंगवाया नहीं है, वो पूरी डील थी इसके साथ, वो भी आ सकता था, लेकिन मैंने वो ऑप्शन नहीं चूज़ की क्योंकि मेरे पास तो है ना दोनों चीज़ें, और वो मसाज के लिए वो दोनों जो है वो बहुत बेस्ट चीज़ें हैं। अगर मसाज करनी है आपने रोज़, तो डेली उससे करें तो वो आपकी फेस की शेप भी चेंज कर देता है, और काफ़ी अच्छा जो है हमारे पास। तो अब हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे टेप लगी हुई है, इधर लिखा हुआ है ओपन विद हैप्पीनेस। मतलब फेशियल करने का फ़ायदा ये होता है आपकी स्किन नेचुरली क्लियर हो जाती है, तो नेचुरल केयर जो है वो ज़्यादा बेस्ट है, फिर मेकअप भी फ्लॉलेस और अच्छा लगता है, और सारा कुछ स्किन पे सूट करता है। तो अब मैं इसे ओपन करने जा रही हूँ। वाह, बहुत प्यारा है, छोटी छोटी सी हैं चीज़ें, लेकिन अच्छा है, जितने मतलब जितनी मनी में है ना वो सही है ये। तो अब मैं इसको जो है खोल के ना सही तरह से बॉक्स आपको दिखाती हूँ रिव्यू। है ना, मैंने अभी वैसे ही यूज़ के लिए मंगवाया है, मैं बाद में और ले लूँगी जब ये फिनिश होगा। सबसे पहले है हमारे पास ये रहा टोनर, यही है मेरा ख्याल है, इसमें से निकालते हैं इसको। ये टोनर है, ठीक है, ये हाइड्रा फेशियल ज़्यादा नहीं करते होते, ये जो है आप लोग दूसरे फेशियल के साथ इसको ले सकते हो,
दूसरा फेशियल भी यूज़ कर सकते हो, साथ साथ ये भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है जी हमारे पास मिल्क क्लींजर, इसकी जो है आपको मैं दिखाती हूँ ओपन करके। ये मिल्क क्लींजर है, तो अब हम देखते हैं। अब है हमारे पास स्टेप 3, स्टेप वाइज रखा हुआ सारा। और ये है टैन एक्सफोलिएशन, इसका भी टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये तो अब जब करूँगी तभी पता चलेगा अच्छे से, मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये आपकी फेस की सारी टैनिंग को रिमूव कर देगा। ये टैनिंग जो है उसको ख़त्म करने के लिए ये जेल है। और आगे चलते हैं और आगे सारी चीज़ें आपको बताती हूँ कि किस तरह से क्या है, और आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ। आई हैव इज़ स्टेप नंबर 4, जो कि है मसाज क्रीम, ग्लो मसाज क्रीम है। हाइड्रा फेशियल से ग्लो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि स्किन जो है वो हाइड्रेट हो जाती है तो वो ग्लोई ग्लोई लगती है। आपकी स्किन में जो है वो वाटर ज़्यादा जाता है, ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं अगर आप इसे सीरियस लो तो। तो ये वाली फेशियल किट बाय करनी चाहिए कि नहीं, मेरा ख्याल है करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। अब अपने फेस का ख्याल रखने के लिए आपको जो भी आपको चीज़ अच्छी लगे आप वो ज़रूर करो। ये है हमारे पास क्ले मास्क, ये ख़त्म होगी तो हम दोबारा कर लेंगे बाय, ये अच्छी है। तो ये मास्क है क्ले, ये मैं देखती हूँ एक दफ़ा। तो अब अगली चीज़ जो है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास ये है हमारे पास स्टेप नंबर 5, इंस्टेंट क्लियर जेल। ये फेस को जो है वो जैसे प्राइमर नहीं होता, ये वैसी जेल है। तो इसके साथ आप लोग जब मसाज वाले टूल इस्तेमाल करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा मतलब रहेगा, इट विल बी नाइस। और ये हमारे पास है जेल। सारी चीज़ें आपको साथ साथ बता रही हूँ मैं कि क्या किस तरह से है। ये आम फेशियल में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, आम फेशियल में सीधा सीधा स्क्रब होगा, क्लींजर होगा, मसाज क्रीम होगी, और जो है वो होगा शाइनर सा, क्या कहते हैं उसको, स्किन पॉलिश। ये है अब हमारे पास स्टेप नंबर, अच्छा स्टेप नंबर 6 कौन सा है, स्टेप नंबर 6 ये वाला था, ये अभी नहीं है, ये वाला स्टेप नंबर 6 है। तो ये है हमारे पास, ये भी हमारे पास हाइड्रेटिंग जेल है। वो हमारे पास थी जेल क्लियर जेल, ये हाइड्रेटिंग जेल है। इसमें ज़्यादातर जेल्स जो है वो इस्तेमाल होती हैं इस फेशियल में। ये फेशियल जो है ये काफ़ी जो है आपकी स्किन को क्लियर कर देता है। ये खोल के दिखाती हूँ, ये वाली जेल ठीक है, हाइड्रेटिंग जेल। जेल से जो फेशियल होगा वो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लो वो कैसा फेशियल होगा, मतलब वो अच्छा फेशियल होगा। ये इन चीज़ों के अलावा कि आप स्क्रब और मसाज ही करी जो फेस पे, इनसे अच्छा आप हटके चीज़ें इस्तेमाल करो तो उसका ज़्यादा असर होगा। तो स्टेप नंबर जो 7 है वो ये है, ये है हमारे पास हमारा, नहीं नहीं ये स्टेप नंबर 9 है, ये गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी। तो हमारे पास है स्टेप नंबर 8, 7 ये था हमारे पास। थोड़ा सा इधर उधर करके है चीज़ें, पर वो जब मैं करूँगी और जब आप लोग ये किट बाय करोगे आपको खुद समझ आ जाएगी इस पर सब लिखा हुआ है। तो ये है हमारे पास ग्लो सीरम, ये सीरम है हमारे पास। ये सीरम है हमारे पास, सीरम ही है, मुझे लगा ये शायद लेबल गलत है, लेकिन ये सीरम ही है, सीरम ही है। तो ये इसको अंदर फंसा देते हैं। ये है हमारे पास डे केयर, ये लास्ट है, ये ओपन करती हूँ और देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा होता है। आप लोग, मुझे बड़ा क्रेज़ था कि ऐसा कोई सीरम हो जो वाइट कास्ट वाला हो, तो मैं, मुझे अगर आप लोगों को कोई पता है तो मुझे भी बताइएगा। बाकी ये जो है हमारे पास ये है डे प्रोटेक्शन,
और ये थी हमारे पास फेशियल किट। अगर आप टीनेजर हो तो अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ज़रूर बाय करनी चाहिए। बायर जो एक्सपेंसिव होते हैं, जाहिर सी बात है, हाइड्रा फेशियल, और आपको अभी इसी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी अगर आपको लगे आपकी स्किन पे सूट करता है, सो यू शुड गो विद इट, इट्स अ गुड ऑप्शन। ये मैं 10 out of 10 दूंगी। बाकी अब आपको यूज़ करके पता चलेगा। मैंने वैसे, मैं आपको अभी बता दूं कि इसका रिव्यू अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने इसका काफ़ी नेट पर रिव्यू पढ़ के ये चीज़ें ली हैं। ये वाली किट आप लोग बाय कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ट्राई करनी है तो ये वाली ले लो पहले, और फिर बाद में दूसरी ले लो, ठीक है? ये ट्रायल किट है इनकी, ये जो है काफ़ी मतलब देर चल जाएगी। अगर आप लोग इतना, अगर आप टीनेजर हो तो ये अच्छी तरह चल जाएगी आपकी काफ़ी देर तक, तो इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। और बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और बस इसी तरह मुझे कमेंट्स भी करिएगा, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगी। और जिसने जिसने ये बाय करनी है तो वो मैं आपको बता देती हूँ, इंस्टाग्राम पर है पेज IQ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। आप लोग इधर जाओगे तो वेबसाइट पे ये किट लगी हुई है। हाइड्रा फेशियल जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, डीप हाइड्रेट करता है। सारा जो है ये, इसका ये मकसद होता है, इसका ये मकसद होता है। तो इसको आपने दूसरे फेशियल्स के साथ मिक्स नहीं करना। ये आपकी स्किन को जो सेलिब्रिटीज वाला ग्लो है ना, वैसा ग्लो आता है इस फेशियल से, ये इसलिए होता है। तो चलते हैं जी, और अल्लाह हाफिज़।